हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने बात की फ्लावर में कैलिक्स और करोला के बारे में। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एंड्रोशियम के बारे में। जैसा कि आपको बताया गया कि कैलिक्स की यूनिट को सेपल का नाम दिया जाता है, करोला की यूनिट को पेटल का नाम दिया जाता है, इसी तरह से एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमेन का नाम दिया जाता है, जिन्हें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, एक को एंथर कहा जाता है, दूसरा पार्ट फिलामेंट होता है जो एक्चुअली स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है। लीफ की स्टॉक को पेटियोल कहा जाता है, फ्लावर की स्टॉक को पेडिसिल कहा जाता है और स्टेमेन की स्टॉक को फिलामेंट का नाम दिया जाता है। अब जो एंथर है स्टेमेन में, इसमें दो लोब पाए जाते हैं तो इसे बाइलोब कहा जाता है और हर लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, तो दो लोब में चार माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे, दिस इज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, जब ये मैच्योर होंगी तो इन्हें पॉलन सैक का नाम दिया जाता है और इन्हीं पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जो स्टेराइल स्टेमेन होते हैं, जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्टेमिनोट का नाम दिया जाता है। अब ये जो स्टेमेन होते हैं, अगर ये एक दूसरे से अलग हैं, फ्री हैं, तो इसे पॉलीएंड्रस कंडीशन कहा जाता है और अगर ये आपस में फ्यूज हैं तो इसे नाम दिया जाता है कोहेसन। और अगर ये दूसरे किसी मेंबर से फ्यूज हो जाएं, पेटल से, पेरियंथ से, कार्पेल से, तो इसे एडहेशन का नाम दिया जाता है। जैसे एडहेशन में अगर हम बात करते हैं, स्टेमेन अगर पेटल से अटैच हो जाए तो इसे एपीपेटलस कहा जाएगा। जैसे अगर हम ब्रिंजल की बात करें सोलेनेसी फैमिली में, अगर स्टेमेन का अटैचमेंट पेरियंथ से हो जाए, टेपल से हो जाए, तो इसे एपीटेपलस या एपीफिलस कहा जाता है। लिली में ऐसा होगा, लिलियेसी फैमिली में। अगर स्टेमेन अटैच हो जाए कार्पेल या पिस्टिल के साथ में, तो इसे नाम दिया जाएगा गाइनेंड्रस कंडीशन या गाइनोस्टिजियम कंडीशन। अब अगर स्टेमेन स्टेमेन के साथ फ्यूज हो जाता है तो इसे कोहेसन का नाम दिया जाता है। कोहेसन तीन तरह का है। अगर स्टेमेन का फ्यूजन केवल फिलामेंट के द्वारा है, एंथर फ्री है, तो इसे एडल्फस कहा जाएगा। अगर स्टेमेन केवल एंथर से फ्यूज है, फिलामेंट फ्री है, तो इसे सिंजिनिशियस कहा जाएगा। और अगर एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज हो जाएं, तो इसे सिनेंड्रस कंडीशन कहा जाएगा। अब एडल्फस कंडीशन में केवल फिलामेंट फ्यूज है, ये तीन तरह का हो सकता है। अगर किसी फ्लावर के सारे स्टेमेन एक बंडल का फॉर्मेशन करें फ्यूज होके, मोनो एडल्फस कहेंगे चाइना रोज में। अगर कई स्टेमेन हैं और ये आपस में मिलके दो बंडल बना लें, तो इसे डाइडल्फस कहेंगे। जैसे पी में फैबेसी फैमिली में, फैबेसी में आप कहते हैं 9+1, तो 9 स्टेमेन एक बंडल में और एक अलग रहता है, दो बंडल है, दिस इज डाइडल्फस कंडीशन। और अगर दो से ज्यादा बंडल एक फ्लावर में है स्टेमेन के, तो इसे पॉलीएडल्फस कहा जाता है। जैसे सिट्रस की बात करें, सिंजिनिशियस कंडीशन एस्टेरेशी फैमिली सनफ्लावर में पाई जाती है और सिनेंड्रस कंडीशन कुकरबिटेसी फैमिली में प्रेजेंट होती है, यानी कुकरबिट्स के अंदर। अब अलग अलग फैमिलीज में, अलग अलग फ्लावर में कुछ वेरिएशंस भी पाई जाती हैं। नॉर्मली एक फ्लावर में पाए जाने वाले सभी स्टेमेन की लेंथ एक जैसी होती है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हैं जहां पर स्टेमेन की लेंथ वेरिएबल हो जाती है। जैसे अगर हम मस्टर्ड और साल्विया की बात करें, तो इनमें एक ही फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट की लेंथ है वो वेरिएबल होती है। मस्टर्ड में इसे टेट्रा डायनमस कहा जाता है और लेबिएटी फैमिली साल्विया में इसे डाई डायनमस के नाम से जाना जाता है। मस्टर्ड में टोटल 6 स्टेमेन होते हैं, जिनमें से दो किनारे वाले छोटे होते हैं और सेंटर वाले चार बड़े होते हैं, इसे टेट्रा डायनमस कहा जाता है। जबकि साल्विया और ऑसिमम तुलसी में
चार स्टेमेन होते हैं जिनमें दो छोटे होते हैं दो बड़े होते हैं, इसे डाइडाइनमस कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने एंड्रोशियम के बारे में बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गाइनोशियम के बारे में।